नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमोना शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। अधिकारियों ने होटल से पकड़ी गाड़ियां, ड्राइवर बोले कौन देगा दिहाड़ी। होटल पे सुलाए हैं, पकड़ गए। होटल पे खड़ी हुई गाड़ी है, पेपर रोक के चाचा के, उन भैया के भी पेपर रोक के। जीएसटी चोर बोल पार्टी वालों पर दागा निशाना। भाई पार्टी वालों को बंद करो ना, पार्टी वालों को लाओ, इन्हें बंद करो जो जीएसटी चोरी कर रहे हैं। सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, जैसे आज ये खड़े वैसे पार्टी वाले खड़े होने चाहिए ना भैया। यहाँ ये लोग क्यों खड़े बेचारे? पार्टी वालों को खड़ा करो ना, जिनका माल है। हमारा तो ढोने के तो ठेका है, ये ठेका थोड़ी ना के भी कोई गलत या वैसा दे रहा है। जब हम पे पेपर ओके सब कुछ ओके, तो हमारी गाड़ी क्यों होटल से लाई गई? इसका जवाब सेल टैक्स वाला भाई कोई देगा हमें? ये सब भाइयों की गाड़ी ओके है, पेपर इनके ओके है। तू चार दिन में क्या होगा? चार दिन में गाड़ी खड़ी का पैसे कौन देगा? गाड़ी भाई पार्टी वालियों को बंद करो ना, पार्टी वालों को लाओ, इन्हें बंद करो जो जीएसटी चोरी कर रहे हैं। ये बेचारे चोर नजर आ रहे हैं, ये गर्मी में मर रहे हैं, तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। वैसे ये बोलते हैं कि ड्राइवर जो रीढ़ की हड्डी है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है ड्राइवर। ये हाल देख लो ड्राइवर, इन बेचारों का हाल देखो जरा। इनका दिखा भैया का पीछे बाड़ा का बेचारा देखो, गर्मी होती है। ये पार्टी वालों को इनके धोरे खड़ा करो ना, एक घंटा खड़ा कर दो, मान जाऊंगा मैं तुम्हें। ट्रक ड्राइवर का काम माल ढोना और पहुंचाना होता है, पेपर पूरा करना, कब कहां कितना टोल लगा उसका हिसाब रखना और फिर बाद में वही सारा हिसाब ट्रांसपोर्टर तक बताना। ईवे बिल, रॉयल्टी, बहती बिलती आदि सारी जिम्मेदारियां ड्राइवर पर होती है। 2017 के बाद जीएसटी लागू हुआ, जिसके बाद व्यापारियों को टैक्स ऑनलाइन भरना पड़ता था, जिसमें कई बार ट्रांसपोर्टर की वजह से ड्राइवर और उसकी गाड़ी को सेल्स टैक्स वालों द्वारा सीज भी किया गया है। ऐसा ही एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ड्राइवरों के लिए खड़ा ये शख्स किस तरीके से ड्राइवर के रास्ते में आती दिक्कतों को बता रहा है, जिसमें उसका कहना है कि ड्राइवर का काम तो बस माल ढोना और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना है, तो उन्हें इस तरीके से यहां पर क्यों खड़ा किया गया है? उसके बदले पार्टी वालों को यहां पर खड़ा किया जाना चाहिए। उसका भी यही कहना था कि क्यों ड्राइवरों को और उनकी गाड़ी को जब्त किया जाता है। ओवरलोड के मामले में भी यही होता है। अब ओवरलोडिंग में व्यापारी का इसमें बड़ा हाथ होता है, लेकिन व्यापारी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और हर बार ड्राइवर को ही बड़े बड़े चालान जैसे 20,000 भुगतने पड़ते हैं। अब ड्राइवर को जितना माल व्यापारी ले जाने को कहेगा, उसे तो उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि काम न मिलने की वजह से वह मजबूर होता है। जब ड्राइवर माल लोड करते हैं तो बिल की सही ढंग से उन्हें जांच करनी चाहिए, ताकि ड्राइवर को कोई परेशानी ना आए। उन्हें अच्छी तरीके से चेक करना चाहिए कि कहीं बिल में कोई कमी तो नहीं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ड्राइवर पढ़ नहीं पाते, जिसका फायदा उठा लिया जाता है। इसलिए प्रशासन अगर इसकी जड़ पकड़ ले तो ऐसे मामले खत्म हो सकते हैं। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज और देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ, आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है, चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।